बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, नदीम टेक चैनल पे आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आ रहा हूँ और वादे के मुताबिक ये वीडियो भी हंटिंग से मुताबिक है, हंटिंग से रिलेटेड है, क्योंकि मेरी तबीयत कुछ दिन से ठीक नहीं थी तो मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर सका, तो ये वीडियो मिलाकर आपके लिए रिकॉर्ड कर ली गई है। तो इसमें जनाब अली, आप अपना आपको बताना ये चाहता हूँ, वादे कर दूँ कि अगर आप इस पे 15 घंटे मुसलसल काम कर लेते हैं एक अकाउंट पे 15 घंटे, तो 10 M गोल्ड आप इंशाल्लाह हर हाल में बना लेंगे सुकून से। अगर एक अकाउंट पे आप 15 घंटे काम करते हैं तो 10 M आपके इजीली निकल लाएंगे। अब आपका काम मैं आपको बता दूं कि आपने काम क्या करना है, तो काम है इम्पलिंग का। इम्पलिंग पकड़ने हैं आपने। इम्पलिंग क्या चीज़ होती है वो मैं आपको पहले दिखा दूं। ये है जी आपके इम्पलिंग, आपको नज़र आ रहे होंगे, ये बेबी इम्पलिंग है, यंग इम्पलिंग है, उसके बाद गवर्नमेंट इम्पलिंग है, अर्थ इम्पलिंग्स हैं, एसेंस इम्पलिंग्स हैं, इलेक्ट्रिक, उसके बाद नेचर, मैगपाई, निंजा, क्रिस्टल, ड्रैगन। अच्छा, इसमें एक चीज़ और आपको बता दूं, अगर आप काम कर रहे हैं और आपके सामने ड्रैगन आ गया, ड्रैगन इम्पलिंग, ये आपने याद रखना है नाम, ड्रैगन इम्पलिंग, अगर आपके सामने ये आ गया और आपने इसको पकड़ लिया है, तो ये खाली एक ड्रैगन इम्पलिंग आपका आधे एम का है। मिसाल के तौर पर अगर आप 2 ड्रैगन पकड़ते हैं तो 1 M का है, 2 ड्रैगन आपके 1 M के बनते हैं। ये आते बहुत कम हैं, लेकिन जितने भी आएंगे मैं आपको ये बता रहा हूँ उनकी क्वांटिटी, के अगर आप 2 ड्रैगन पकड़ लेते हैं तो 1 M के 2 है, आधे M का 1 ड्रैगन। अच्छा, बाकी इनकी भी प्राइसेस ठीक हैं, तो मैं भी यही काम कर रहा हूँ और इसे मैंने गोल्ड क्या बनाया वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। आप ये देखिए, सबसे पहले तो आपको इस साइड पर ले जा कर दिखाऊँ, इसके हाथ में एक चीज़ है ये, तो ये क्या है, ये इसके हाथ में एक वो है अपना मैजिक बटरफ्लाई, ठीक है, ये इसके हाथ में। अब मैं आपने काम क्या करना है मैं आपको बता दूं, सबसे पहले जो आप इन्वेंटरी खोलें, ये है इम्पलिंग जार, यानी कि खाली बोतलें इम्पलिंग पकड़ने के लिए, इनमें इम्पलिंग जो हैं वो पकड़े जाते हैं। ये है जी, ये अर्थ इम्पलिंग पकड़ा हुआ है इसने, ये एसेंस पकड़ा हुआ है, ये फिर अर्थ इसने पकड़ा हुआ है, ये आपको गवर्नमेंट पकड़ा हुआ है, ये इलेक्ट्रिक इम्पलिंग पकड़ा हुआ है। इनके प्राइसेस मैं आपको पहले ही चेक करवा देता हूँ इनके प्राइसेस क्या हैं। अब ये देखें आप, ये एक अर्थ इम्पलिंग है, इसकी 1977 का इन प्राइस है, ये अर्थ और ये है एसेंस, इसकी 2663 है, और ये है गवर्नमेंट, इसकी 3148 का इन है, मतलब आप ये हिसाब लगा लें। अच्छा, अब ये है जो इम्पलिंग जार, ये कितने का आपको मिलेगा इम्पलिंग जार जो है ना, ये देखें, ये 725 का, मतलब आप ये जितने भी आपने देखे इनकी प्राइसेस, मैंने आपको चेक करवाई है कि 1900 से स्टार्ट होकर 4000 तक इनकी प्राइसेस है। अगर आप ये एक, ये आपको एक मिलेगा 725 का, 725 आप माइनस कर दें, बाकी 4000 वाले आप पकड़ने हैं, आपने जितने भी पकड़ने हैं तो उनके लिए एक इम्पलिंग कोई भी पकड़ने के लिए आपके पास एक इम्पलिंग जार होना ज़रूरी है, ठीक है। तो 700 का आपका अगर जार है तो उसमें से 4000 का आपका इम्पलिंग है कोई भी, तो उसमें से 700 का आप निकाल दें, बाकी आप अंदाज़ा लगा लें। बाकी मैं प्रैक्टिकल इसका आपको करके दिखाता हूँ, बहुत ईजी काम है, कोई मुश्किल काम नहीं है। एक अकाउंट पे आप 15 घंटे, 12 घंटे, 13 घंटे कर लेते हैं तो 7 M में, और अगर 15 घंटे, ये इसी काम से, ये आप देख सकते हैं, ये इम्पलिंग पड़े हैं मेरे पास जार, और ये इम्पलिंग पहले जो पकड़ के मैंने रखे हुए थे, और कुछ ये हैं, ठीक है, इनको मैं बैंक में रख देता हूँ। ये 13 M इसी से बनाए हैं, ये वाले इम्पलिंग जार हमारे पास पड़े हैं। अब आपने काम क्या करना है, अच्छा इसके लिए 2-3 चीज़ें मैं आपको बता दूं, कुछ लेवलिंग चाहिए होती इसके, लेवलिंग इतनी अच्छी होगी आपकी, उसके जो है ना, कम से कम मेरा आपको ये मशवरा है, अकाउंट भी हमसे मिल जाते हैं, अकाउंट भी आपको दे सकते हैं, अवेलेबल है हमारे पास। इसमें काम क्या है कि आपने लेवलिंग करनी है हंटिंग की, शार्ट से क्रॉस कर लें,
लॉस्ट सिटी आप क्विस्ट कर लें। दो तीन तरीके हैं जो घुमाने के, उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ। एक ईगल पीक क्विस्ट कर लें, लॉस्ट सिटी क्विस्ट कर लें आप, हंडिंग कर लें, ठीक है। तो इसका तरीक़ेकार भी मैं आपको बता दूंगा कि आपने वो क्विस्ट करके उसके बाद क्या करना है। बाज़ औक़ात लोग क्विस्ट कर लेते हैं और कुछ करने के बाद वो जिस लोकेशन पे जाना होता है वो जा नहीं सकते। वो हम अगली वीडियो आप बनाऊंगा तो उसमें बता दूंगा कि आपने ट्रेडिंग करनी होती है उधर जाके, फिर जाके आपको मैजिक बटरफ्लाई नेट मिलता है, अदरवाइज ये नेट वो आपको ग्रैंड एक्सचेंज से अवेलेबल नहीं होता। अब आपने क्या की चीज़ें, एक तो आपके पास मैं आपको इधर दिखा दूँ, आपके पास ये चीज़ जो है रिंग ऑफ वेल्थ, रिंग ऑफ वेल्थ ये आपके पास होना ज़रूरी है। ये आपको ट्रेड करके मिलता है, इसकी मैं अलग से वीडियो आपको बना दूंगा। मैजिक बटरफ्लाई नेट, इसमें आपने वो पकड़नी है इम्प्लिंग। अच्छा, अब आपने सामान क्या लेके जाना है, एक आपने लम्ब्रिज ये रख लें, ये आपने उधर लम्ब्रिज में जाने के लिए। उसके बाद ये आपके पास ये लॉस्ट सिटी क्वेस्ट जो आप करेंगे तो अब आपको मिलेगी ट्रेवल स्टाफ, एक आपने अपने पास ये रख लेनी है और बाकी आपने एंट्री इम्प्लिंग जार की भर लेनी है, ठीक है। उसके बाद आपको बताता हूँ काम क्या करना है आपने। ये देखें जी, यहाँ पे ये लम्ब्रिज है, टेलीपोर्ट, इसको आप पकड़ लें नेट में, इसको इधर रख लें। लम्ब्रिज आप करेंगे तो ये लम्ब्रिज इस जगह पे आ जाएगा आपके पास, ठीक है। अब आपने किस रास्ते से जाना है मैं आपको बता दूँ, ये आपने इधर क्रॉस कराना है, इधर क्लिक भी करेंगे तो ये इधर पहुँच जाएगा। अच्छा, ये आपने देखते जाना जी, आपने इधर आना है, उसके बाद आपने ये मतलब ये रास्ता नहीं आपने छोड़ना, ये गेट आपने क्रॉस कर लेना है और उसके बाद आपने इस रास्ते से इस साइड पे आना है। ये जिस साइड पे ये आपको नज़र आ रहा है, ये आपको साथ में बता भी रहा है कि आपने किस साइड पे जाना है। तो आपने ये कमरा सा बना हुआ है, इसके पास आपने आ जाना, ये वाला इसके लेफ्ट साइड पे आ जाए ये वाले। अब जब तक आपके पास ये जो मैंने आपको बताई है ना, ये वाले रेम स्टफ, आप जब तक हाथ में पकड़ के नहीं रखेंगे ये अंदर जाएंगे तो आपका टेलीपोर्ट जो है ना फायरिंग से वो नहीं होगा। तो फायरिंग से टेलीपोर्ट करने के लिए आप पास ज़रूरी है कि आप इसको पकड़ के रखें। अब ये जो एक ओपन डोर है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये टेलीपोर्ट हो जाएगा फायरिंग से। अच्छा, अब आप आके यहाँ पे आपने इधर बैक आ जाना, ठीक है। अब एक चीज़ आपने इधर नोट करनी है कि ये चीज़ है, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, ये जगह, ये जो है ना ये वाली जगह, ये जगह सेंटर ऑफ क्रॉप सर्कल, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो जहाँ पे आपने इम्प्लिंग पकड़ने जाना है ना आप उस जगह पे पहुँच जाएंगे। लेकिन क्योंकि वहाँ से चीज़ें पकड़ के आपने वापस भी आना होता है तो आपने बैंक में डिपॉजिट करनी होती है, तो वो कहाँ पे करनी है तो मैं आपको बता दूँ, इसी साइड पे आप आ जाएं, एक गेट से आप दाखिल हुए हैं जब ग्रैंड एक्सचेंज आए। अब आपने बैंक जाना है तो बैंक आपने ये सीधा सीधा सा रास्ता है, तो ये आप देखते रह जाएंगे किस साइड से जा रहा है। ये जी आपका बैंक है ये जो ना ये वाले, ये जब आप कुछ चीज़ लेके उधर से आएंगे ना, आप मेरे पास कुछ भी नहीं है तो आप जब पकड़ के आएंगे तो ये जो बैंक चेस्ट है आप यहाँ पे आके चीज़ें आपने रखनी होंगी, जो भी आपने डिपॉजिट करना है वो यहाँ पे आके आप डिपॉजिट कर दिया करेंगे। मैं उठा रहा है तो इधर से ही उठानी है और इधर ही आके रखनी है जो चीज़ें, मिसाल के तौर पर आपने ये फोल्ड करके ले आने ड्रिंक के एम्पलिंग पकड़ के ले आने, तो आपने इधर आके डिपॉजिट कर देने और इधर से जार अगर आपने निकालने तो इधर से आके रख लेने। अब दोबारा आप उसी रास्ते से आपने वापस जाना है, मैं आपको दिखा देता हूँ, इसी रास्ते से आपने वापस चले जाना, ये वाली वो जगह है, इससे आप आगे क्रॉस कर जाए, बिल्कुल इजी काम है, कोई मुश्किल काम नहीं है। 15 घंटे आप काम करते हो तो 10 से इजीली आप निकाल देंगे। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ये उधर टेलीपोर्ट हो जाएगा जब आपके हाथ में ये होगी जी। तो ये हम उस जगह पे पहुँच जाए जहाँ पे आके हमने इम्प्लिंग पकड़ने हैं। अब इम्प्लिंग पकड़ने हैं हमने जी, एक लड़के ने पहले इस पे वीडियो बनाई है, मैं उसकी मुखालफत नहीं कर रहा, मैं उसने बस एक चीज़ वाजे नहीं की थी, मैं वो बस चीज़ वाजे करना चाह रहा हूँ कि जब भी कोई बंदा वीडियो बनाए तो फिर मुकम्मल उसकी इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए ताकि अगले बंदे के लिए आसानी हो। अब यहाँ पे हमने पार जाना है जी, इसके अंदर हम करें क्रॉस कैसे करें इसको, अब दीवार पर इस पर करते रहेंगे इसके तो कोई सेहत पर असर नहीं हो रहा, या तो कहीं नहीं जा रहा, इसको आपने क्रॉस कर भी तो आखिर जाना है ना, तो क्या करना है आपने, ये राइट क्लिक करते हैं, उसके बाद आपके पास ये पुश थ्रो मैजिकल वीटा आ गया, आप इस पर क्लिक कर दें, ये दीवार क्रॉस कर जाएगा।
अच्छा, अब आपने अगला काम क्या करना है, कोई भी इम्प्लिंग आपने पकड़ना है उस पर इस तरह क्लिक कर दें। ठीक है, ये नहीं पकड़ा गया, कोई और पकड़ लेते हैं, इस पर आप कर दें जो भी मतलब आपको नज़र आता है, जहाँ पे भी कोई आपको इसको कर देते हैं, ये आप इस आपके साइड पे आ रहा है। ठीक है, जो भी इम्प्लिंग आपने पकड़ना है ना उस पर आप क्लिक कर दें सिंपल। ये देखें, अब ये इसने पकड़ लिया है। अब इधर ही हम इसे प्राइस चेक कर लेते हैं। ये देखें, ये पकड़ा हमने, ये है असेंबलिंग। इधर आपने क्रॉस किया, क्लिक किया, इधर किया, इसको आप इधर क्लिक करेंगे तो इसकी 1970 का इन प्राइस आ गई। अच्छा, अब मैं आपको ये वाला, अच्छा ये अर्थी है, कोई भी आपने पकड़ना है इसी तरह से आपने पकड़ना है। ये यंग है इसकी, क्योंकि कम है प्राइस में इसको नहीं पकड़ रहा। इसकी भी ठीक है, आपके सेल हो जाता है, लेकिन इसकी प्राइस थोड़ी कम थी तो इस मैंने नहीं पकड़ा। ये गवर्नमेंट की भी ठीक है, और ये जो फिर रहा है ये जा रहा, ये बेबीज की भी कम है। बात करने का मकसद है कि मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने काम कहाँ पे आके करना है। तो अगर आप ठीक से नियत सही से काम करते हैं तो कोई मुश्किल काम नहीं है। ये पकड़ लिया इसने, इस तरह से आपने ये इस साइड पे आ जाए, इस साइड पे जहाँ पे मर्जी है, जब आपकी इन्वेंट्री हो जाएगी फुल, ये मैं और पकड़ पकड़ पकड़ा जाता था, जब आपकी इन्वेंट्री ये पकड़ा गया। अच्छा, जब आपकी इन्वेंट्री फुल हो जाए तो आपने कहाँ जाना है, बैंक में डिपॉजिट करने के लिए जाना है, मैं आपको बता दूँ। ठीक है, इधर तो आप रेड क्लिक करें, पुश थ्रो पेपर क्लिक करें, जहाँ पे भी होंगे सारी दीवारों को आपने क्रॉस करने के लिए यही ऑप्शन करना है कि रेड क्लिक किया, पुश थ्रो पे किया और दीवार क्रॉस कर ली। अब जहाँ पे आके आपने इस जगह पे क्लिक कर देना, इस जगह पे ये आपको वहाँ पे ले जाएगा जहाँ से आप आए थे। ठीक है, अब ये चीज़ मैंने आपको बताई थी, जब ग्रैंड एक्सचेंज से आप आते हैं तो इस रास्ते से आते हैं, और जब आप डिपॉजिट करने जाते हैं तो इस रास्ते से आपने जाना है। मैं आपको बता देता हूँ, ये देखिए, ये आपके बैंक है, बैंक चेस्ट बनी हुई है, इस पे आप आकर क्लिक करना है और अपना डिपॉजिट कर देना है। अच्छा जी, मैं ये तीन पकड़ के लाए, मैं सबको डिपॉजिट कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगा इसकी, उधर जाके सारी चीज़ क्लियर करूँगा। अब आपने क्या करना है, इधर से अब जब आपने बैंक जाना तो सिंपल सा पता ही है कि आपने ग्रैंड एक्सचेंज वाला फिंगरप्रिंट पे करना है, ग्रैंड एक्सचेंज आप जाएँ स्कूल से। अब यहाँ पे जाके आपने इनको सेल करना है, पहले बैंक से आप उठा लेते हर चीज़ें जो जो आपने सेल करनी है जी। बैंक ओपन किया, नोट फॉर्म में आप ये सारी चीज़ें रख लें, ये पढ़े हैं, ये पढ़े हैं, ये पढ़े हैं, ये पढ़े हैं, ये पढ़े हैं। ठीक है, इनको अब इधर लाएं बैंक पे। ये है जी गवर्नमेंट, इसकी प्राइस कभी 1 पॉइंट हो सकता है कम भी हो जाए, ये 3100 का है, वैसे देखते हैं सेल होता है या नहीं, फौरी हो गया। ठीक है, उसके बाद ये है जी अर्थ सिंपलिंग, इसकी प्राइस कभी कोई कम हो जाती है करते हैं तो 1 पॉइंट कम कर देंगे, ये भी हो गया सेल फौरी, कोई बात नहीं। अच्छा, ये है जी, इसकी प्राइस वैसे ठीक ही रहती है लेकिन कम नहीं करते हम इसकी, हाँ ये भी ठीक है। ये है, इसकी भी प्राइस कभी कभार कम होती है नहीं तो ठीक हो जाती है। ये इलेक्ट्रिक, ये आपको 6000 का, अब ये दिखाएं, आपने 700 रुपये का एक 700 काइन का आपने किम्पलिंग जार लिया था, ये आपका सेल हो रहा है 6064 का। ठीक, ये कभी कभार प्राइस भी कम होती है। अच्छा, तो ये देखिए 108 के हो गया। ठीक है, ये मैंने इसी पे काम किया, 2 दिन काम किया मैंने, क्योंकि मैं वक्फे से काम करता रहा हूँ, 2 दिन काम किया तो अलहमदिल्ला से मेरे 13 बने एक अकाउंट पे, सिर्फ एक अकाउंट पे। कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा काम किया करें, उसमें अल्लाह पाक बरकत डालेगा, मेहनत पे सारा काम होता है, मेहनत करेंगे तो आपको उसका इंशाल्लाह सिला ज़रूर मिलेगा। एक और काम है कैबिट का, वो छोटा सा, वो भी मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा, और उसमें मैं जो है ना इसकी ट्रेडिंग का भी पहले आपको बताऊंगा कि आपने ट्रेड किस तरह जाके आपको नेट कैसे मिलेगा, उस पर वीडियो बनानी है मैंने नेक्स्ट टाइम। और फिर उसमें आपको कैपिटल वगैरह का छोटा सा काम है, 4 अकाउंट आप इजीली चला के उस पर भी ठीक ठाक अर्निंग बना सकते हैं। वो वीडियो देखने के लिए भी आपको मेरा चैनल लाजमी सब्सक्राइब करना पड़ेगा, मेहरबानी करके चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर लें, लाइक कमेंट कर दिया करें, और वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर भी कर दिया करें। तो आप सब दोस्तों के तावन का बहुत बहुत शुक्रिया, दुआओं में याद रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।